लेट्स स्टार्ट। पहले वो तो पहले बेटा दिस आईनी की प्रियम फोर। इससे पहले हम लोग तीन आईनी की प्रियम में टॉपिक पढ़ चुके हैं, आज चौथा पढ़ते हैं। आज सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे मेरे साथ। नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड पीए। अरे पंखा बंद कर देंगे कैसे? अब देखो सबसे पहले अपन बात करें तो आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्ट की बात करते हैं बेटा। तो सॉल्ट होता क्या है? तो द वन विच इज मेड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। जैसे HCl की रिएक्शन NaOH के साथ की, तो H2O और NaCl बन गया बेटा। बोल बेटा, तो H2O और NaCl बन गया, तो NaCl इज ए सॉल्ट। इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। करेक्ट बेटा। इसी प्रकार मान लो मैं एसिटिक एसिड ले आया, NaOH के साथ रिएक्ट करा लिया, जलुआ बनाया प्लस सोडियम एसिटेट बना दिया। अब इसके पहले बार बार बोलूंगे सॉल्ट ऑफ बेस एंड बेस, उसको पहले बता देता हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं क्या। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अल्फा इज इक्वल्स टू वन, मतलब जो 100% आयनाइज हो जाए। HCl, हाँ H2SO4 बच गया था, H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग बेस में भी अल्फा इज इक्वल टू वन होता है, NaOH, KOH, RBOH, CSOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड। एनसीआरटी देखो तो एनसीआरटी में तो LiOH भी एस ब्लॉक में स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में लिखा हुआ है। अब इनके अलावा जो भी एसिड बच जाए वो सब वीक एसिड है। हाँ बेटा, H2SO4 का मेरे को कंफर्म नहीं हो रहा, वैसे शायद सीक्वेंस में है HClO4 HNO3। आई 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 हैव टू चेक द वंस, नहीं ऐसा नहीं। अब देखो इसके बाद में, अब ये जो एसिड है ये कैसा एसिड है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए वीक एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कैसे पता लगाते हैं कि सॉल्ट किसका है? जैसे ये वाला सॉल्ट है तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला पार्ट होता है। नेगेटिव वाले पार्ट के ऊपर एच प्लस लगा दो और पॉजिटिव वाले पार्ट पे OH नेगेटिव लगा दो, तो ये एसिटिक एसिड हो जाएगा, ये NaOH हो जाएगा। तो ये वीक एसिड हो गया और ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। जैसे मान लो कल के दिन किसी ने कह दिया कि चाचा अमोनियम एसिटेट कैसा सॉल्ट है, तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे, यहाँ नेगेटिव पे एच प्लस लगा देंगे और पॉजिटिव पे, तो दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। करेक्ट है बेटा। जैसे मान लो किसी ने बोला अमोनियम क्लोराइड, तो क्लोराइड और प्लस, तो पॉजिटिव वाले पे OH नेगेटिव लगा देंगे, नेगेटिव वाले पे H प्लस लगा देंगे। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, तो इट इज ए सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे किसी ने बोला मेरा नाम MgOH Cl है, तो Mg प्लस OH या MgCl2 लिख देते, अच्छा लगे। जहां पॉजिटिव है वहां OH नेगेटिव जोड़ दो, दो पॉजिटिव है तो दो OH नेगेटिव, और ये नेगेटिव हो जाएगा तो इस पे दो H प्लस जोड़ देंगे, तो एक तरफ तो MgCl2 HCl बन जाएगा और ये MgOH होल ट्वाइस बन जाएगा। MgOH होल ट्वाइस वीक बेस है, तो इट इज अ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट।
हाँ जी हाँ जी, जैसे किसी ने बोला Na3, नहीं Na3 नहीं, बहुत हो गया। मान लो किसी ने बोला Zn2, Zn3 PO2, तो जिंक पे पॉजिटिव चार्ज है, फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे एच प्लस जोड़ेंगे तो H3PO4 बनाएगा, और इस पे OH नेगेटिव जोड़ेंगे तो ZnOH होल ट्वाइस बना देगा, 3 मोल। बोलो बेटा। तो ये हो गया वीक बेस और ये हो गया वीक एसिड, सो दे आर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। आओ बेटा, ऑप्शन दिया कि वॉइस क्लियर कर, क्लियर वॉइस किसको बोला तूने? अच्छा तो उसका तो ओ खड़खड़ाना तूने बंद कर दिया। अरे सबको ईश्वर कुछ ना कुछ टैलेंट देता है बेहतरीन टाइप का। ठीक बेटा, गिपे सॉल्ट चालू हुआ है बेटा, आयनिक इक्विलियम फोर्थ टॉपिक आज से ही चालू हुआ है। सॉल्ट हम बता रहे हैं, सॉल्ट होता क्या है जो एसिड और भैंस की रिएक्शन से बनता है, उसको सॉल्ट बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड ये है याद कर लेना, स्ट्रॉन्ग बेस ये याद कर लेना, ठीक है ना? इसके अलावा जो भी बच गए वो वीक है। ठीक है बेटा, अब ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मतलब फोटो। अरे यार जल्दी करो बेटा, ले लिया, ग्रुप पे डाल दो आप तो स्क्रीनशॉट लेके, बस मोबाइल की जरूरत नहीं है। स्नैप बना लो, स्नैप आप तो इसका किसकी एक्टिंग? अच्छा उनकी एक्टिंग मैं कर रहा हूँ। अच्छा बोलता है नहीं, बोलते हैं नहीं, माना वो बहुत यंगस्टर है, लेकिन इसका मतलब क्या तुम लोग ऐसी बात करो? हाँ हाँ अरे वो तो बहुत बड़े मजाकिया है। हाँ टीचर भी अच्छे हैं, नॉलेज अच्छा पका दिया होगा तुमने। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आईने की क्लेम। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे, सॉल्ट की बात हो गई कि सॉल्ट क्या होता है। ठीक, अब बात होगी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की, तो कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। सॉल्ट की बात होगी, सॉल्ट तो सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा सॉल्ट की कई डेफिनेशन होती है, सॉल्ट की एक डेफिनेशन ये है कि सॉल्ट ऐसी चीज होती है जो एसिड और बेस के आपसी क्रिया से बनती है। ठीक, दूसरी डेफिनेशन सॉल्ट की है कि सॉल्ट इज अ कंपाउंड और स्पीशीज विच ऑन रिएक्शन विथ वाटर विल और ऑन हाइड्रोलिसिस विल फॉर्म एसिड एंड बेस। ठीक है बेटा, और सॉल्ट की ये भी डेफिनेशन होती है, सॉल्ट इज समथिंग विच कंसिस्ट ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। तीन डेफिनेशन है सॉल्ट की। ठीक है बेटा, जैसे कि किसी ने बोला PbCl2, अब PbCl2 में Cl कहाँ से आया? क्लोराइड HCl से आया, तो ये एसिडिक रेडिकल कहलाएगा, और Pb पे OH लगाओगे तो PbOH होल ट्वाइस हो जाएगा, ये बेस से आया तो ये बेसिक रेडिकल कहलाएगा। बोले बेटा, तो जितने कैटाइन है वो बेसिक रेडिकल कहलाएंगे और एनाइन जो है वो एसिडिक रेडिकल कहलाएंगे। बोले बेटा, ये बेसिक रेडिकल होते हैं कैटाइन। बोला,
और एनाइंस होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स। सही है बेटा, ए फॉर एनाइन, ए फॉर एसिडिक रेडिकल, ठीक है। और सी फॉर कैटाइन, -1 बेसिक रेडिकल। क्लियर है? आगे समझ। इसका हाइड्रोलिसिस करने पर क्या प्राप्त होगा? एसिड और बेस। हाँ बेटा, क्या बेटा? अच्छा, थोड़ा बढ़ा दे फॉन्ट साइज। ठीक, बढ़ा दे। या व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, लेट मी इंक्रीज फॉन्ट साइज। मोटा वाला मार्कर ले लेते बेटा, ये जो मार्कर जिससे दीवार पोतते हैं वो अलग है, उसमें ऑटोमेटिक फॉन्ट साइज बढ़ा है एक्चुअली। अब समझना मेरी बात, ठीक है ना? यहां तक सबको क्लियर ना? अब सुनो, एक बात बताता हूं मैं आपको कि किस प्रकार के सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से क्या होगा। बता दूं मैं इसको। सबसे पहले हमने देखा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्लियर है बेटा? तो ये जो सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। समझाता हूं क्यों। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaCl। सब लोग ध्यान से समझना, Na+ है। अब कोई बच्चा बोल सकता है, सर जी मजा नहीं आया, मतलब आपने जो कहा कि हाइड्रोलिसिस नहीं होता। भाई यदि टकले पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो परम सत्य है कि वो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, तो हाइड्रोलिसिस होता नहीं है, गलत है। थोड़ा होता है ये सही है, कम होता है ये तो मान सकते हैं, पर होता ही नहीं है गलत है, क्योंकि यदि कोई है तो उसमें क्रिया करने की एनर्जी तो होगी भाई, तो कुछ तो होगा। तो चलो कुछ करा ही देते हैं, कुछ कराया तो क्या बनेगा? NaOH और H+ बन जाएगा बेटा। पर ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रॉपर्टी होती है कि उसका अल्फा क्या होता है, 1, पूरा टूट जाएगा। तो बेटा जैसे ही बना वैसे ही टूट गया, इससे वापस से दोनों कंबाइन होकर जल बना लेंगे। लौट के बुद्धू घर को आए, सुबह का भूला सुबह ही वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं बोलते, शाम भी नहीं हो पाई बेटा। क्लियर थी बात? इसी प्रकार क्लोराइड है, क्लोराइड ने भी HOH के साथ खेला। चलो चलो सीरियसली सीरियसली सीरियसली, H+ को ले गया, ये HCl बन गया। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, अल्फा बराबर 1 है, ये भी क्लोराइड और H+ में टूट जाएगा बेटा। प्लस OH नेगेटिव बचा, क्योंकि इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को अपनी ओर खींच लिया, HClOH नेगेटिव बच गया। पर ये दोनों क्या हुए? कंबाइन हो गए। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, यदि मान लो एक्स मोल इसके टूटे तो इसके एक्स बने, इसके एक्स बने, और ये तो 100% टूट गया। बोले बेटा तो ये 100% टूट के एक्स एक्स मोल ही बनाएगा ना, एक्स इसका दोनों कंबाइन होकर पानी बना लेंगे। नेट अमाउंट में ना OH बचेगा ना H+ बचेगा, क्या बचेगा? क्लोराइड बचेगा। तो लौट के बुद्धू घर को आए, Na+ ही मिला और क्लोराइड ही मिला, सो क्या हुआ? कुछ हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई सब लोग? अब चलते हैं अपन। हाँ जी, इसका जो pH होगा वो 7 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ पानी है वहां पे और तो कुछ है नहीं। बोले बेटा pH बराबर 7 होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। पर किस तापमान पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टैंडर्ड। क्लियर है बेटा? नो हाइड्रोलिसिस। क्या बेटा? नो हाइड्रोलिसिस, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। तो इसका KH कुछ डिफाइन ही नहीं होगा, अरे हाइड्रोलिसिस नहीं होता, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या हुआ? जीरो।
बराबर जीरो, हाँ जी एच बराबर जीरो, ना जी ना जी ना जी, एच होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस ही नहीं हुआ तो डिग्री कहां से मिलेगी? अरे बेटा, और के एच इज हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट, ऐसे कैसे जब खेले ही नहीं? तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। बोलो बेटा, चलो इतनी कहानी सबको समझ में आ गई। मिटा दूं इसको मैं, मिटा दे। ये जो लाइनें होती हैं ये अपने गुना शिवपुरी में ही होती है, बाकी जगह तो लाइंस होती हैं अपने यहाँ गुना शिवपुरी भिंड में लाइनें चलती हैं। हिंदी और मिक्स का इंग्लिश चलता है क्यों? इधर इंदौर में भी चलती है लाइनें। अच्छा कसरावत में क्या बेटा? लाइन नहीं। अच्छा चलो बेटा कोई बात, हर जगह की अपनी खूबसूरती है। सुनो मेरी बात को ध्यान से। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, जैसे अमोनियम क्लोराइड बेटा एग्जांपल। तो हाइड्रोलिसिस कमजोर का होता है, स्ट्रॉन्ग का नहीं होता, तो क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। बोले बेटा, अमोनियम का हाइड्रोलिसिस होगा, क्लोराइड का नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अमोनियम आयन पानी के साथ खेल गया। मान लो इसने एक्स मोल बनाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H प्लस बचा बेटा। अब ये जब टूटेगा तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है। तो यदि इसके एक्स मोल बने थे, इसके एक्स मोल बने थे, तो ये टूट के वाई मोल टूटेंगे इसके। बोलो बेटा, अमोनियम आयन हाइड्रोक्सिल आयन में टूटेगा। मान लो ये वाई है, वाई एंड एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वाई, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो पूरा ओ एच नेगेटिव H प्लस को तो न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, तो H प्लस क्या होगा? बच जाएगा। तो द नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज एसिडिक। और इसमें हाइड्रोलिसिस किसका हुआ है? कैटाइन का कि एनायन का, जो कमजोर वाला पार्ट है, तो इसको बोलेंगे कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। अब देखो बेटा, जो स्ट्रॉन्ग वाला है वैसे ही होगा नेचर सॉल्यूशन का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक होगा नेचर सॉल्यूशन का, और हाइड्रोलिसिस कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा। क्लियर है बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका के एच और वगैरह वो सब बताएंगे, डिराइव भी कर देंगे और ट्रिक भी बता देंगे, है ना। मिटा दूं मैं इसको, शैल मिटाओ दिस। अब बेटा अमोनियम एसिटेट, नहीं अमोनियम एसिटेट नहीं, क्या नाम है इसका, एसिड सोडियम एसिटेट ले लो। मान लो मैंने लिया सोडियम एसिटेट, नेगेटिव पॉजिटिव। बोले बेटा, बोले बेटा, ये स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट और ये वीक वाला पार्ट, और ये STRONG वाला पार्ट। जो वीक वाला पार्ट है इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनता है? हाइड्रोक्सिल बने, और Na प्लस तो स्ट्रॉन्ग से है तो नो हाइड्रोलिसिस। हो भी गया तो पलट जाएगा, याद करो। तो अल्टीमेटली ये तो टूटेगा नहीं ज्यादा, क्योंकि इसका अल्फा तो वेरी वेरी लेस देन वन है। तो ये जो एसिटेट और एच प्लस बनाएगा, एक सेकेंड फॉन्ट साइज छोटा हो गया,
इसका वाई मोल, इसका वाई मोल, इसका एक्स, इसका एक्स, एंड एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वाई, तो बेटा ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। सही है बच्चे, देयरफॉर वी विल से दैट, आम लोग बोलेगी कि एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वाई। क्या बेटा अल्टीमेटली, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस ना तो बेसिक हो जाए, नेचर ऑफ सॉल्यूशन बेसिक, ये तो देख के ही बोल सकते हो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, खत्म बेसिक। और इसमें जो हाइड्रोलिसिस हुआ वो कौन सा हुआ, वाह क्या कहा है तुम, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, है जी, है जी, हो गया जी, हो गया जी। अब मैं बनाता हूं अगला CH3COONH4, नेगेटिव पॉजिटिव, बोलो बेटा। अब ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा इसका सोल्यूशन, क्यों, क्योंकि दोनों का ही हाइड्रोलिसिस होगा, बोथ कैटायनिक, एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस, पीएच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7, इसका पीएच मोर देन 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पीएच। आ गया बेटा सवाल सब लोग, कोई दिक्कत को? हाँ बेटा बोलो बेटा, वीक एसिड है ना बच्चे, वीक एसिड का तो अल्फा कम ही होता है ना डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाँ जी सर, इसमें मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस होता है, ऐसा बहुत पूछते हैं एग्जाम में कि किस सॉल्ट में मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस होता है, करेक्ट है बेटा। और एक बात लिख देता हूं, हालांकि दोबारा ही बताऊ, पीएच ऑफ सच सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन, वाह क्या बात कही है, ऑन कॉन्सेंट्रेशन, वाह क्या बात कही है, सोचो। अच्छा ये जब इसको ले रहा था तो ये बेस की तरह ऐड कर रहा था बेटा, इसके लिए के भी डिफाइन होगा, मैं अकेले ही समझ रहा हूँ, खुश होता जा रहा हूँ, ये बेस है, अरे बेस ही तो है, नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो एच प्लस खींच रहा है, तो ये बेस हुआ और वो ये बेसिक है, तो इसके लिए के भी डिफाइन होगा, और पिछले वाले पेज पे जाओ तो अमोनियम था, क्या था, जैसे सो रहे हैं बैठ के जमाइयां ले रहे हैं, मतलब मास्टर के मोटिवेशन की कचरे कर दो बेचारा। नहीं तेरा तो बेटा ठीक है, मैं तो वो बड़े बड़े खिलाड़ियों से बात कर रहा हूं, एसिटेट प्लस एचओएच, पीटीएम के लिए सब तैयार होता जा रहा है, माल मटेरियल, सोते हुए लोग, स्नैप बनी गई है, सबूत है, और वो भी गेम वाला भी तो स्नैप है, ऐसे गेम खेलते हुए स्नैप, वो जो रोज दोपहर में तुम गेम खेलने जाते हो ना बेटा, हाँ हाँ रोज रोज पैसे का इंतजाम तो होते ही नहीं है ना, अच्छा सिर्फ टीटीएस। देखो बेटा इसके लिए के भी डिफाइन होगा बच्चे, और इसके लिए के ए डिफाइन हो, तो यदि के भी ग्रेटर देन के ए हुआ, बोलो बेटा, तो
OH नेगेटिव ज्यादा प्रोड्यूस होगा, समझ बात को, तो बेसिक नेचर ज्यादा हो जाएगा, स्लाइटली लेस देन 7 हो जाएगा, मोर देन 7 बराबर पीएच। डन बेटा। और पी के भी उल्टा कर दो, तो भी स्लाइटली मोर देन 7 बराबर, चमका के नहीं चमका, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, पर डिपेंड करता है कि जो कैटायन एनायन बने हैं उनका पीके और पीकेबी कैसा है। हालांकि यहाँ पे एक बात और भी है, और थोड़ा आगे चल के समझाऊंगा मैं कि कॉमन आयन इफेक्ट भी लगता है, ऑड आयन इफेक्ट लगता है। हाँ ऐसा नहीं जी, नहीं मेरी बात सुनो, मैं बोलू बेटा दो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट क्या बेटा, किसी को इंस्ट्रक्शन देने का दूर दूर से कमेंट आ रहे। एक तो बेटा गेम जोन से आया है, मिटा दूं मैं इसको। अब सुनो तुम्हें समझाऊं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अच्छा कंसेप्ट बताओ। जैसे मान लो बेटा, ये भी मिटा दूं नहीं तो तब तक चिपक जाएगा, वो भी वेट करता रहता है, बॉन्ड बना लूं थोड़ी देर में, तुरंत मिटा दो, बनना ही मत दो। चल बेटा, जैसे मान लो बच्चों, हमारा जो भी डाउट था अब देखना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये H प्लस को लिया और अमोनियम आयन OH नेगेटिव को लिया, तो क्या बना, एसिटिक एसिड प्लस OH नेगेटिव, तो क्या बना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H प्लस। पर ये दोनों बराबर बराबर थोड़ी ना बने, एक्स एक्स, ये एक्स बना, ये एक्स बना, तो ये वाई बना, तो ये वाई बना, इनकी के ए और के बी वैल्यू बराबर थोड़ी ना भाई, नहीं आया तो बराबर था, सत्य वचन, इसका भी एक मोल टूटा, इसका भी एक मोल टूटा, पर उनकी रिएक्टिविटी बराबर थोड़ी ना। लेकिन अब कमाल की बात क्या, वो समझे, कमाल की बात यह है कि मान लो इसने थोड़ा सा ज्यादा एक्स प्रोड्यूस किया, तो वो जो थोड़ा सा ज्यादा है वो इस वाई को खाएगा, बोल बेटा, जब वो वाई को खाएगा तो इधर से ऑड आयन इफेक्ट लग जाएगा और ये और प्रोड्यूस कर देगा, तो वो और आगे बढ़ जाएगा, तो एक दूसरे को ये जब कोई आयन प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको जब कोई अपने साथ खींच के ले जाता है, तो क्या होता है कि प्रोडक्ट से आपने आयन को रिमूव कर दिया, तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाती है। जैसे कि वो, मैं एक मिनट बोल लूं तो अभी आ जाएगा समझ में, जैसे ये एच टू एस है आपके पास और ये टूट रहा है H प्लस दो मोल प्लस सल्फाइड में, मान लो ठीक, अब तुमने इसमें HCl ढोल दिया, तो HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो इधर आ जाएगा, ये हुआ कॉमन आयन इफेक्ट, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। मान लो तुमने इसमें Na2S ढोल दिया, तो वो सल्फाइड देगा, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। पर मान लो तुमने इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ढोल दिया, वो भैंस है, तो एसिड को खा जाएगा, एसिड इज रिमूव्ड, द रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज ऑड आयन इफेक्ट।
पिछली बार तूने कितना बेकार स्टैंप बनाया, ऐसे फ्रंट से ना। जय, हाउ आर यू? पिछली बार बहुत अच्छा बनाया तूने, इधर से बनाया, दैट वाज वेरी नाइस, बहुत चला वो। ऐसे बनाया कर स्नैप, पढ़े ना पढ़े स्नैप अच्छा होना चाहिए। एक्स एक्स वाई वाई, करेक्ट है बेटा, बोलो बच्चे सही है। अब सुनो, पूरा बोर्ड भर जाए फिर बनाते हैं। हाँ, इतने कंसेप्ट आ गया ना समझ में? सच बोलो, कंसेप्ट आ गया कि नहीं आ गया? वेरी नाइस। हाँ, नहीं, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, क्योंकि बेटा इससे एच प्लस चिपका दे तो वीक एसिड बनेगा, और इससे ओ एच नेगेटिव चिपका दे तो वीक बेस बनेगा। तो जो अमोनियम एसिटेट होता है, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। चमका कि नहीं चमका? ये कंसेप्ट समझ में आया तुम लोग? चलो, चूंकि तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। मिटा दो, आओ मिटाए। एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में आया तो सेव कर लेते हैं इसको, सेव कर लेते हैं। वो स्मार्ट बोर्ड से एकदम कंफ्यूज, अब मैंने इसको इसमें सेव कर लिया। चलो बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? अब सुनो, अब इसमें एक पार्ट है डेरिवेशन का पार्ट, जो कि तुम्हारे किसी के काम का नहीं। अबे तुम डिराइव कैसे करोगे सिवाय जय के? एक ओनली जय इज देयर जिसके काम का, जो उसका भी काम का है कि नहीं है पता नहीं, क्योंकि वो डमी स्कूल में पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं पता नहीं, आई डोंट नो। बट सुनो तो मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो, नहीं पूछते तो बस हो गया, खेल खत्म, पैसा जब। अब तेरे काम का है तो मैं तेरे को अलग से बिठा के पढ़ा दूँ, ठीक है? कल, कल नहीं, अभी रुक जा, भले 7 बजे पढ़ा दूंगा। 7 बजे तू रुकने वाला है? तेरे को पढ़ाना है ना, इसको पढ़ाना है 7 बजे। अरे अभी पहले ये तो पढ़ ले, तो पीछे पढ़ गया। अभी तो बोला इसने नहीं आता 11th में, क्यों 11th पास है? अब देखो मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात ध्यान से आइए। क्या ओ डॉक्टर साहब, सर आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट। अरे वाह बेटा, अरे ये तो डॉक्टर साहब, अच्छा मेरे पुराने स्टूडेंट है ये, आई आई रिमेम्बर। अरे नहीं, तुम मेरे को पढ़ना पढ़ाने दो, सुनो मेरी बात को, मेरी बात, मैं मेरे को पढ़ाने दो, प्लीज पढ़ाने दो, है ना? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा। एक होता है KH, और KH होता है KW अपॉन कमजोर, कमजोर, ठीक है ना? जैसे मान लो किसी ने कहा कि मारा नाम है सोडियम एसिटेट, इस सॉल्ट के लिए KH क्या होगा बेटा? KW अपॉन कमजोर क्या है यहां पे? एसिड के भैंस, एसिड, शाबाश, अपॉन KA। तो जब उसका वो नेगेटिव चार्ज था तब तो अपन उसको बेस को, नहीं तुम समझे नहीं बात को, कमजोर एसिड था और स्ट्रॉन्ग बेस था, समझो बात को, किससे आया वो बात कर रहे हैं। इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है तो वो बेस मैं मान रहा हूं, लेकिन एसिटिक एसिड क्या था? वीक एसिड, उसके रिस्पेक्ट में अपन लिख रहे हैं, ठीक। इसको हम डिराइव भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। अब दूसरा किसी ने बोला मेरा नाम है अमोनियम क्लोराइड, तो बोले ओहो KH बराबर KW अपॉन कमजोर। बोलो कमजोर कौन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड कमजोर था, अपॉन KB। इसको हम डिराइव कर सकते। अब मान लो उसने बोला मेरा नाम है अमोनियम एसिटेट, तो KH बराबर क्या होगा? KW अपॉन KA into KB। बोले बेटा आया, आया कि नहीं आया? आया,
आई एम इन अमेरिका. ओह नाइस, यस आई लिव टेलिंग समझे. हाँ वर्ड में चलता है वो तो, ऐसा नहीं. देखो के एच बराबर के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी. डन. मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. हाँ नाश्ता करते करते मैं देख रहा हूँ. प्लीज डू नॉट डाइल्यूट द क्लास, कम है ना. के डब्ल्यू मतलब तुम लोग हंसी मजाक करके भी डाइल्यूशन हो जाएगा, इसलिए बी सीरियस है. तो के एच बराबर के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी. करेंट डिविडेंड. अब एक होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. ये जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है ये वो अल्फा टाइप का ही होता है. तुम्हें याद है एक जमाने में तुमने पढ़ा था सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के, याद आया? पुरानी यादें भी तुम लोगों के दिल में अब तक बसी हुई हैं. सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू के एच. सो एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एच बाई सी. और तुमको तो पता है के एच क्या होता है, के डब्ल्यू अपॉन कमजोर सी. क्लियर है बेटा? सही है. अब इसके लिए यदि तुम्हें एच लिखना है, लिखे बेटा एच. इसके लिए मान लो किसी ने बोला इसके लिए एच की वैल्यू लिखो, तो एच बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ के एच अपॉन कमजोर सी. सी तो इधर ही है और कमजोर कौन है, एसिड, के ए सी. मान लो किसी ने बोला मेरा नाम अमोनियम क्लोराइड है, चाचा मेरे लिए भी लिख दो, तो ले लो बेटा के एच अपॉन कमजोर सी के बी सी. उसने बोला चाचा मेरा नाम एसिटिक, ओ अमोनियम एसिटेट है. उसने बोला चाचा मेरा नाम अमोनियम एसिटेट है. क्लास में हूँ 7 7 बजे तक. हो 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 अब सोचो अमोनियम एसिटेट एच बराबर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ के एच अपॉन सी. तो गायब हो जाती है बेटा, दोनों कमजोर थे, ना चरित्र था ना पैसा था, सी चली गई. वो तो डिराइव करेंगे तो आ जाएगा बेटा. तू जब डिराइव करेगा तो सोच मेरे पास क्या है यहां पे, ऐसा नहीं है मतलब डिराइव कर देंगे बेटा. थोड़ी देर के लिए माफ करना क्योंकि ये इतना ही स्थान बचा है इसलिए फॉन्ट्स छोटे हैं. थैंक्स, तुम कितने दयावान हो. देखो सी माइनस सी अल्फा सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन, समझ गए, सी चली गई, सी ने सी को मार दिया. आया? लेकिन ये क्या है, ये तो ट्रिक है. दोनों कमजोर थे ठीक है बेटा. जब इट इज अ सॉल्ट ऑफ, अरे तीरथ इसका माना नहीं. तेरा चेहरा देख के तो कोई नहीं खोलेगा मेरा मोबाइल. अनुराग उसको दे दे. लेकिन ध्यान से ऐसे नहीं, मतलब कि ये उधर उधर एकदम पूरा फ्रंट आना चाहिए ठीक है ना. अब मैं जो बताऊंगा उसका, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस ठीक. इसका जो एच होता है उसमें सी नहीं आती. देखो वीक एसिड वीक बेस, ना चरित्र था ना पैसा था, सी भाग गई. गॉट इट?
बस तुम लोग हंसे क्यों नहीं यार? हाँ हट। अच्छा रो रहा था तू, हंसी रोक रहे थे ना, वही तो मैं कहूं इतना अच्छा चुटकुला था, लेकिन दो बार हुआ मेरे को लगा इसलिए नहीं हंसा हुआ। कोई बात तो इसलिए यहां से सी भाग गए, करेक्ट आया कि नहीं आया समझ? अब चलो वापस आ जाए, मजा आता है ऐसे, मतलब समझो कल से छुट्टियां होने वाली हैं, अरे मतलब परसों से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कोचिंग का सबसे बड़ा नुकसान है, कोचिंग में बच्चा ना कोचिंग की तरह ही पढ़ता है, कोचिंग में देखो बच्चे एबसेंट होना चालू हो गए ऑलरेडी, अपने यहाँ सिर्फ वो एबसेंट है जिनकी तबीयत खराब, गलती बोल रहा हूँ आपसे, मुझे इसीलिए कोचिंग का फॉर्मेट ही पसंद नहीं, क्योंकि कोचिंग का फॉर्मेट बच्चे को सेलेक्ट कराने से ज़्यादा ज़्यादा बच्चे के एडमिशन करने को लेकर। हाँ हाँ मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल कोचिंग का फॉर्मेट ही बिजनेस है और कुछ नहीं। आओ और ज्ञान की गंगा बहे, सी तो चली गई ना विशाल, अब कोई बात नहीं बेटा रो मत, वापस आ जाएगी अगले सवाल के। एच हो गया, के एच हो गया, अब आया पीएच। पीएच होता है बेटा एक छाते के नीचे तीन लोग, पीएच होता है एक छाते के नीचे तीन लोग, ए फॉर एवर, बी फॉर बिलो और के डब्ल्यू सदा ऊपर है, के डब्ल्यू सदा ऊपर है, ए फॉर एवर एंड बी फॉर बिलो। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी रुको जरा सबर कर, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। पीएच बराबर होता है अंडर रूट ऑफ, अब किसका पीएच देख रहे हैं वो देख लेते हैं, हम पीएच देख रहे हैं मान लो इसका, तो एक छाते के नीचे तीन लोग, के डब्ल्यू, ए ऊपर और बी नीचे और सी इसके साथ खो खो खेलती रहती है, तो यदि के ए इधर आया तो सी नीचे चली जाएगी। बोलो बेटा क्या मेरी बात पक्की समझ में आ गई तुम लोगों? ये क्या लिखा है ना, पीएच लिखा है, एच प्लस आयन, पीएच का तो अलग फॉर्मूला है, मुझे माफ कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इज इक्वल्स टू, और ये किसके लिए बताया मैंने तुम लोगों, या क्यों भाग जाता है ये सब? धनाधन एक बार इसको क्रॉस चेक कर ले यार, मेरे को मतलब थोड़ा, अरे एक बार चेक कर लेते बेटा कि सही है कि नहीं, जैसे बेटा मेरे पास था सोडियम एसिटेट प्लस जलुआ होता है यहाँ पे, ये क्या देता, एसिटिक एसिड प्लस OH नेगेटिव देता, सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा सी अल्फा, यहाँ पे सी माइनस सी एच लिख देता, CH CH, तो K बराबर CH square, तो H बराबर KH by C का अंडर रूट, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव बराबर CH, CH इज इक्वल्स टू C अंडर रूट ऑफ KH C आ जाता। बोलो बेटा बोलो बेटा, KH by C था ना इनटू C,
आया क्या करके बताऊं? नहीं ना, हर तुम्हारा कोई मकसद सीए कौन सी श्वेता को आ गया, लेकिन सबको थोड़ी ना आया हो। केएचसी कर अब आया ना, देखा। हाँ बोला ना, ठीक है बेटा। अरे कोई बात नहीं। हाँ जैसे अब ये कितना है, के एच क्या होता है, के डब्ल्यू अपॉन कमजोर, बोले यार अपॉन के एस ही आया, पर ये क्या है, ओ एच नेगेटिव है, पर हमको तो क्या चाहिए, एच प्लस। एच प्लस क्या होता है, के डब्ल्यू अपॉन ओ एच नेगेटिव, तो एच प्लस क्या होगा, के डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ के ए, तो क्या हुआ, अंडर रूट के ए बाई सी का अंडर रूट बराबर एच प्लस, सही बताया था। डन। तो इसके लिए तो ऐसा हो गया बेटा, आया क्या नहीं आया। तो यदि हम इसके लिए ले लें अमोनियम क्लोराइड के लिए, तो वहां क्या होगा, एच प्लस बराबर एक छाते के नीचे तीन लोग, के डब्ल्यू सदा ऊपर, बी नीचे गया तो सी ऊपर आ गया। बोलो बेटा, वीक एसिड वाले में के रखना है और वीक बेस वाले में के भी रखना है। बोलो बेटा, आया कि नहीं आया, आया बेटा। अब लास्ट वाला, दैट इज मिटा दूं क्या इसको, या वीक एसिड वीक बेस वाला, तो H प्लस साइन बराबर अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू ए फॉर एवर बी फॉर बिलो, ओके। अब बेटा इतना कंफर्टेबल है, अब पीएच ऑफ दिस इज इक्वल सेवन प्लस पी के ए बाई टू प्लस हाफ लॉग सी, सब में प्लस पीएच ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सब में माइनस सेवन माइनस पी के बी बाई टू माइनस हाफ लॉग सी, और पीएच ऑफ सी ओ ओ एन एच फोर पीएच बराबर सेवन प्लस पी के ए बाई टू माइनस पी के बी बाई टू। ये सॉल्ट के सारे फॉर्मूले हो गए, एक बार फिर से रटा देता हूँ आपको, पहले आप ही लिख लो, फिर मैं बोर्ड का सही इस्तेमाल करते हुए एक चार्ट बनाएंगे। यस सर, यस डॉक्टर साहब, आई लेफ्ट एलन सम टाइम बैक अराउंड 2 years अप्रॉक्सीमेटली। माइनस 180 मार्क्स बच्चे क्या है नीट में, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में माइनस 180 तो आई ना, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं वैसे तो कुछ भी हो सकता है, हाँ कौन सा अप्रोक्सीमेशन कर लिया, क्या चलो बेटा। अच्छा सुनो 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 सुनो, लेट्स स्टार्ट, सुनना मेरी बात को ध्यान से बेटा ना। अब तक जो जो चीजें अपन ने थोड़ी बहुत पढ़ी हैं,
सॉल्ट के बारे में। ठीक, देखो मेरे पास पहले था CH3COONA, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक। अच्छा, इसके भी पहले मेरे पास था NaCl, नो हाइड्रोलिसिस, न्यूट्रल पीएच 7, एनायनिक हाइड्रोलिसिस बेसिक, पीएच मोर देन 7, ऑफ कोर्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद इसका केएच, केडब्ल्यू अपॉन कमजोर, केडब्ल्यू अपॉन के ए, एच अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन कासी, चेक कासी था क्या, कासी भाई, एच प्लस साइन वॉज एक छाते के नीचे तीन लो, ए फॉर एबव और सी नीचे भाग गई, पीएच 7 प्लस पी के ए बाई 2 प्लस आधा लॉग सी आया बेटा। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, पीएच लेस देन 7, नेचर ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक, केएच बराबर केडब्ल्यू अपॉन केबी, एच बराबर अंडर रूट ऑफ केडब्ल्यू अपॉन केबीसी, एच प्लस आइन कंसंट्रेशन बराबर अंडर रूट ऑफ एक छाते के नीचे तीन लो, बी नीचे गया सी ऊपर गया, पीएच में सब माइनस, माइनस पीके बी बाई 2 माइनस पीके डब्ल्यू बाई ओ कचरे आधा लॉग से हो गया बेटा। अगला सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस, पीएच अप्रोक्सीमेटली 7, इफ के ए ऑफ अमोनियम आयन इज ग्रेटर देन के बी ऑफ this, then slightly basic, वो एस्टर एटी प्रोड्यूस करता है, समझ रहे बात को, एंड वाइस वर्सा। केएच बराबर केडब्ल्यू अपॉन के ए के बी, एच बराबर अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन क्या था, एच एच बराबर क्या लिखा था, अच्छा के ऊपर गया था वो तो, नहीं सॉरी क्या होता, के एच बराबर सी ऐसा, एच बराबर अंडर रूट अपॉन के बी के बी और एच प्लस आइन कंसंट्रेशन बराबर अंडर रूट के डब्ल्यू के ए और पीएच बराबर के बाई टू, ये हो गया पूरा। ठीक है बेटा,
चेक करना इसमें सब सही लिखा है। क्या हुआ बेटा? केएच कहाँ गया? केएच तो वो था ना, केडब्ल्यू ओपन, दोनों कमजोर थे। कुछ नहीं सही है। मैं सोच रहा हूँ इसको पूरे को बना लेते हैं एक अच्छा सा, इस पर 1 मिनट का 1.5 मिनट का वीडियो सही रहेगा। अरे हरा रंग डाला, मार डाला, ये रहा। इसको बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा, पूरे जोश के साथ बताएंगे। एक बात से मेरे को पता है, थोड़ा सा वरीड हूं मैं, तुम लोग का डाउट डिस्कशन थोड़ा कमजोर है। अब जैसे भी जीओसी खत्म हो गया, अरे देखो तो भाई, अब ताने वाने मारने को उतर आए, जिनकी शीट दी है, जिनकी शीट दी उनके पूछे आज आ जाएगा क्या? शीट का आज का क्या स्टेटस है? आज आने वाली है कि नहीं है? सब सही है। आज आज का शीट का क्या स्टेटस चल रहा है? बन गई क्या? है नहीं बनी क्या? मतलब हाँ, वो चेक नहीं करना पड़ रहा है, वो ऑर्निक के जो डायग्राम होते हैं ना, पूरे तो बनाने पड़ते हैं, एक एक डंडा खींचना पड़ता है उसमें। इट इज अ वेरी वेरी हेक्टिक काम। आई टोल्ड, चलो खैर, इसको जरा एक बार में अपन सीख लेते पूरा पूरा, ठीक है बेटा? अर्थियत एक मिनट वाला बना दिया। अरे इसको सेव किया तूने? सेव किया इसको? सेव किया? सेव, सही बोल। फ्रंट से बनाइए थोड़ा सा, देखो इस इसको मत ले लियो। हाँ फ्रंट से बना, फ्रंट से पूरा आंची है। चलो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इन अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट, ठीक? लेट्स स्टार्ट। NaCl नो हाइड्रोलिसिस, न्यूट्रल होता है इसका सोल्यूशन, pH 7। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जो कमजोर वाला पार्ट है उसका हाइड्रोलिसिस होता है, एनाइन कमजोर है, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक, pH more than 7। KH बराबर होता है KW अपॉन कमजोर, वीक एसिड था KW अपॉन KA। H होता है KW अपॉन कासी, कासी भाई। H प्लस साइन, एक छाते के नीचे तीन लोग, KW सदा ऊपर, A एवं, और A KA KB और C आपस में खो खो खेल रही है, K ऊपर आया तो C नीचे चली गई। pH के फॉर्मूले में सब प्लस, 7 प्लस pK बाई 2 प्लस हाफ लॉग C। इधर जाओ, अमोनियम आयन, अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, pH लेस देन 7, एसिडिक क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस था। KH KW अपॉन कमजोर, कमजोर बेस थी KB। H KW अपॉन KBC, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, एक छाते के नीचे तीन लोग, B फॉर बिलो नीचे गया, C ऊपर आ गई। pH सम माइनस, 7 प्लस PKB बाई 2 माइनस हाफ लॉग C। नाउ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस होता है, कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस दोनों होता है, pH अप्रोक्सीमेटली 7 होता है। यदि के अमोनियम आयन का ज्यादा हुआ देन के बी ऑफ एसिटेट, तो फिर स्लाइटली बेसिक होगा एंड वाइस वर्सा। केएच बराबर होगा केडब्ल्यू अपॉन के ए के बी, क्योंकि केडब्ल्यू अपॉन कमजोर, दोनों ही कमजोर थे। एच केडब्ल्यू अपॉन के ए बी का अंडर रूट, बस इसी का अंडर रूट। एच प्लस साइन, एक छाते के नीचे तीन लोग, ए अबव बी बिलो, छाते के ऊपर वाले माले पे सदा केडब्ल्यू रहता है,
पीएच में सात, के साथ प्लस और केबी के साथ माइनस, दैट्स इट। क्या बेटा? बेटा वो वाले कैमरे में चल रही है ना मामला, कैमरा मैन होते हैं। आगे ना समझ में सब लोगों, याद हो जाएगा क्योंकि पूरा सॉल्ट के जितने भी सवाल हैं वो इस पे आधारित है। वापस कर दो। अरे उसमें अनुराग का वो है ना बेटा, यार तीरथ, ठीक। तू देख, तूने ये इतना क्यों इधर से लेना था ना ऐसा वाला। अब रे अब तो ना यार, फिर से वैसे कुछ नहीं कर रहा है, बस मिटा दू बेटा इसको। इसका फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दिया क्या? फोटो खींच के बाद में काम आएगा तुम लोग, स्क्रीनशॉट लेके डाल दो, वो ज्यादा अच्छा है। स्क्रीनशॉट ज्यादा बेटा, उसमें बॉडी आएगा ना प्रॉपर, उसमें टेढ़ा मेढ़ा आएगा। आ गया बेटा? नहीं आया। मजा आ गया? आया, मजा तो आना ही था। अब तीरथ ने भले दूर से लिया हो लेकिन कैमरे में तो पास से आया ना, कैमरे से ले लेंगे भाई साहब। तो सॉल्ट के सारे फॉर्मूले हो गए बेटा। अब चलो कुछ ज्ञान की बातें करते। यार जेई वाला मॉड्यूल में नहीं लिखा है अपने साथ? हाँ है मेरे पास, लेट मी चेक। सॉरी, ये जो है वो टॉपिक वाइज नहीं है, मतलब ये जो है वो किसी के पास है क्या मॉड्यूल इस समय कोई सा? नहीं वो तो मेरे पास भी है, वो तो ऑर्निक का है बेटा। चलो इससे बताइए, इसमें क्वेश्चन उतने अच्छे नहीं है इसलिए मैं बोल रहा था। चलो कोई बात नहीं, दो चार पाँच दस क्वेश्चन जो इसमें है वो दिखा देता हूँ। वॉट इज द पीएच ऑफ, वन एम सोडियम एसिटेट सोल्यूशन के ए एसिटिक एसिड 2×10⁻¹⁵ और के डब्ल्यू 10⁻¹⁴। सोचो बेटा पीएच क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ एच प्लस आयन का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए। एक छाते के नीचे तीन लोग, ए फॉर एवर और सी नीचे गई। बोले बेटा क्योंकि वीक एसिड है तो के आएगा, वीक बेस होता तो के भी आता। के डब्ल्यू 10⁻¹⁴ इंटू 2×10⁻¹⁵ अपॉन सी कितना है 1 का अंडर रूट, बराबर कितना हो जाएगा 2×10⁻¹⁹, मतलब 2×10⁻¹⁰ 20 का अंडर रूट। बोलो बेटा, बेटा 20 का अंडर रूट कितना होता है? हाँ 4√5 सही है। अंडर मतलब 4×5 मैंने कर दिया तो बाहर निकाल दिया, 2.23 होगा शायद 5 का अंडर रूट। 2×2.23×10⁻¹⁰ 4.46×10⁻¹⁰ तो पीएच बराबर कितना आ जाएगा 10⁻¹⁷ अप्रोक्सीमेटली। बेटा तो ये कितना आ जाएगा 9.3 बराबर पीएच, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल, अगला सवाल 2 रुपए के लिए।
कैलकुलेट द, कुछ लोग तो सुनते इनाम सुनते ही सो गए, बोले इसमें तो 1/5 चाय आएगी। हाँ, 5 सवाल करे तो एक चाय आ जाएगी। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यदि आप लोगों से 5 सवाल सही सही बन जाए तो मुझे एक कप चाय पिला देना। मिक्सचर कंटेनिंग, पॉइंट एन, अरे यार यदि सवाल बन जाए तो ये तो खुशी की बात है ना बेटा, खुशी से तो बन ही जाते हैं। चलो ये दूसरा सवाल 2 रुपए के लिए। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अ मिक्सचर, अरे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पता लगाना है तो एच होता है वो अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के ए के बी, 10^-2 आ गया। हेलो यार क्या बात है, क्या बात है, मैंने दूसरा सवाल भी बना लिया जी। 0.01% हाइड्रोलिसिस 1%। लो भाई तीसरा सवाल भी बन गया, परसेंटेज हाइड्रोलिसिस 6 रुपये हो गए। मैं थोड़ी ना पिलाऊंगा, तुम लोग सवाल बन रहे हो तो तुम पिलाओ। हो गया बेटा 3 हो गए तुम्हारे, ठीक। अब इस सॉल्ट में किस टाइप का हाइड्रोलिसिस होगा? एनायनिक, 4 सही हो गए। और इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक के बेसिक। बस तो अब चाय पिलाना मेरे को तो दिल तोड़ देते हो यार तुम। अरे उसको तो अभी मेरे को 50 रुपये देने भाई, उसने मुझे चाय पिलाई ना 5 बार, कल तूने पिलाई थी? जिसने पिलाई हो भाई वो अपने पैसे ले लेना। कल 2 जो आई थी शाम को, उसी की बात कर रहे हैं ना, वो 20 रुपये हैं वाले। हो गया बेटा। OBS is currently active. All streaming record will be shut down. Are you sure you want to exist? No? बेटा? अरे आग लगा देंगे क्वेश्चन कर करके, क्या बात कर रहे हो? If PKB for cyanide at 25 degree centigrade is 4.7, the pH of point 5 m aqueous solution of NaCN is, बताओ NaCN मतलब salt of weak acid, तो H plus sign बराबर क्या हो? एक छाते के नीचे 3 लोग, A for above, C नीचे भाग गई। KW 10^-14 इंटू ए क्या है? तो कोई बात नहीं, पीके बी दिखा है तो पीके ए भी हो जाएगी, पीके ए प्लस पीके बी फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसको अभी प्रूव करूंगा। हाँ जी, तो पीके बी दिया है तो पीके कितना हो जाएगा? चलता -4.7, 9.3। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? अच्छा
और लेकिन हमें क्या लिखना है, हमें तो के लिखना है, तो के ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 10 की पावर -10। ये तो वही कर सकता है जिसमें दिमाग हो। अरे कितनी बार बता दिया चाचा, के बराबर क्या होगा, 10 की पावर -PKa। आया तो 10 की पावर -9.3 कितना हो, 10 की पावर -9 × 10 की पावर -0.3 डिवाइड बाई 10 × 10 बराबर 10 की पावर -10 × 10 की पावर +0.7। पिछले लेक्चर में बताया था, खूब सारा प्रैक्टिस कराई थी। तो कितना हो बेटा, 5 × 10 की पावर -10 अपॉन सी कितनी है, 0.5। 0.5 ने इसको 10 बार मार दिया, और कॉम्प्लिकेट हो गई जिंदगी यार, अच्छी खासी चल रही थी। लो 10 × 10 की पावर -24, 3.14 × 10 की पावर -12। अच्छा हाँ सही है, वो पीके नहीं, नहीं सही रहता नहीं, अभी तो मैं पीके दिया था इसलिए सही था, यदि के दिया होता तो फिर कहाँ वो पीके निकालते, फिर करते डायरेक्ट रखे कर लेते। अभी फिलहाल वो वाला ज्यादा सही था जो तुम कह रही हो, अब तो निकल आया बेटा, अब तो निकाल लें दो। तो पीएच कितना हो, 12 − log 3.1, log 3.5 होता है लगभग, 11.5 अप्रोक्सीमेटली। अब जैसा खुशी जी ने बताया वो भी कर लेते हैं, वो सरल था इस वाले में। पीएच बराबर क्या होता, पीके ए नहीं, 7 PKa/2 + ½ log C। बेटा 7 + PKa कितना आया था, 9.3। 9.3/2 + ½ log 1/2, log 1 0 और log 2.3 मतलब -0.3 मतलब -0.15। तो 7 + 4.565 -0.15 = 11.5। समझे, पर ये सवाल वही चीते की रफ्तार से निकाल सकते हैं जो पुराने लेक्चर पे मेहनत करे। नॉर्मली लोग क्या होते हैं, लॉग पे आते आते फेल जाते हैं, पुराना लेक्चर रिवाइज नहीं करते तो बस कचरे हो गए। अरे भाई पुराना लॉग वाला लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा, वरना तुम्हें लगेगा क्या जादू दिखा रहा है। आज के लिए विराम लेते हैं, बहुत आनंद आया आप लोगों को।